हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। मुझे लगता है आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आलोक दिनकर आज आपके साथ में एक बेहद ही खास बात शेयर करने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, आज का दिन तो आप सारे लोगों को पता होगा और आज है 6 दिसंबर। और आज ही के दिन हमारे भारतीय संविधान के निर्माता, जिन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से भी जाना जाता है, उस महामानव, उस विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने दिल्ली के घर पे अंतिम सांस ली थी। और 7 दिसंबर 1956 को दादर के चैत्य भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। दरअसल दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक बेहद ही खास संदेश देना था, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से ही संबंधित है। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि जब एक इंसान पैदा होता है तो अपने बचपन से लेकर अपने जीवन के अंतिम समय तक कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। अब अगर देखा जाए, इन सभी अवस्थाओं में वह हर तरीके से अपने आप को ढाल लेता है। जैसे कब किस अवस्था में किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, किसके साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा समस्या आए तो उस समस्या को किस तरीके से झेलना चाहिए, और अगर समस्या ना हो तो किस तरीके से अपनी लाइफ को हम जी सकते हैं, इन तमाम परिस्थितियों को होकर वो गुजरता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए आप सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन से एक चीज़ सीख सकते हैं, और वो है पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जीवन को जीना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन को बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि परिस्थिति चाहे जैसी भी रही हो, समस्याएं कितनी भी आ गई हों, लोगों ने उनका कितना भी विरोध क्यों ना किया हो, लेकिन उस महामानव ने अपने आप को अपनी ईमानदारी से कभी समझौता नहीं किया और पूरा जीवन स्वाभिमान और निष्ठा के साथ बिताया। दोस्तों, शायद यही कारण था कि उस समय उनसे बहुत अच्छे अच्छे लोग डरते थे, और आज की डेट में भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की ईमानदारी की मिसालें दी जाती है। इसलिए दोस्तों, परिस्थिति आपके साथ चाहे जैसी भी क्यों ना आ जाए, आपके बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक आपको अपने आप को ईमानदार बनाए रखना है, तभी जाकर के इतिहास में आप याद किए जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन से यह सीख जरूर सीखनी चाहिए कि आपके साथ में भी परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, अपने आप को पूरी तरह से ईमानदार जरूर बनाए रखें, तभी जाकर आपका नाम इतिहास में अच्छे लोगों के बीच में लिया जाएगा। दोस्तों, क्या आप लोग भी अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तरह अपने जीवन को अंतिम समय तक ईमानदार बनाए रख पाएंगे? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें, और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।